जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोसीज यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर महीने की तरह आप सभी के लिए लेकर हाजिर हूँ मासिक राशिफल। साल 2022 के दूसरे महीने की बात करेंगे। फरवरी का महीना कैसा रहेगा आपकी राशि के लिए, इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। कौन कौन से तीज त्यौहार होंगे, किन किन ग्रहों का गोचर होगा, फरवरी माह में जन्म लेने वाले लोग कैसे होते हैं, आपके जीवन में पारिवारिक, आर्थिक, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे करियर हो, हर तरीके से सेहत ही क्यों ना हो, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ कैसा चलेगा, सब कुछ कैसा रहेगा, सब कुछ फरवरी के महीने में हर एक चीज़ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आने वाली है तो उसके लिए हम आपको ज्योतिषीय उपाय भी देंगे, ताकि आप उन जो है उपायों को करके अपनी परेशानियों को दूर करें। और अगर आप उन उपायों को ऐसे भी करते हैं तो आपके लिए जो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, जो ग्रह नक्षत्र हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे। और उपाय हम आपको बहुत ही सिंपल देते हैं, ताकि हर कोई उसको कर सके, उसमें कोई ज़्यादा तामझाम नहीं होता है। तो कि जो है ये जो राशिफल हमने तैयार किया है, ग्रहों की स्थिति के आधार पर तैयार किया है कि कौन कौन से ग्रह कब अपनी चाल बदलेंगे, उसी को हमने ध्यान में रखते हुए पूरे महीने का राशिफल तैयार किया है। और हम आपको विस्तार से उस विषय पर चर्चा करेंगे, सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक और खास बात, बहुत सारे लोग जो है कॉमेंट बॉक्स में अपने पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम्स लिखते हैं, यानी निजी जीवन की समस्याएं। तो सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगी कि आपके सवालों को मैं यहाँ शामिल नहीं कर पाती, इसलिए क्योंकि ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, तो किसी एक के बारे में हम यहाँ बात नहीं कर सकते। और मैं आपकी निजता का भी पूरा सम्मान करती हूँ। किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए हम सभी जानते हैं कि हमें आपके कुछ डिटेल्स चाहिए होते हैं, तो वो डिटेल्स तभी पॉसिबल है, या वो बातें हम आपसे तभी कर सकते हैं जब हम एक दूसरे से बात कर रहे हों। तो आप हमसे बात कर सकते हैं किसी भी समय। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एस्ट्रोसीज वार्ता का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके किसी भी समय बात कर सकते हैं आप हमसे, कोई भी समय की पाबंदी नहीं है। तो जो भी आपकी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स है वो आप बात करके उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। और बाकी जो भी आपके जेनरिक सवाल हैं, यानी ऐसे सवाल जिनसे जो है आपका, जिससे बहुत सारे लोगों का लाभ हो आपके अलावा भी, क्योंकि ये वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं, तो ऐसे सवाल आप लिखिए कमेंट बॉक्स में। हर शाम 5 बजे मैं आती हूँ दैनिक राशिफल का शो लेकर इसी चैनल पर, उस जो है वीडियो में आपके सवाल को शामिल करूँगी, उसका जवाब दूंगी। और आपको एक और खास बात बता दूँ कि जो भी लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं कि आपको हमेशा ज्योतिष की दुनिया से आप अपडेटेड रहें, आपको हर जानकारी मिले, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, तभी आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि फरवरी का महीना क्यों खास है, कौन कौन से तीज त्यौहार हैं फरवरी के महीने में। तो 1 फरवरी मंगलवार को है माघ अमावस्या, 5 फरवरी शनिवार को है बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा, 12 फरवरी शनिवार को है जया एकादशी, 13 फरवरी रविवार को है प्रदोष व्रत और कुंभ संक्रांति, 16 फरवरी बुधवार को है माघ पूर्णिमा व्रत, 20 फरवरी रविवार को है संकष्टी चतुर्थी, 27 फरवरी रविवार को है विजय एकादशी, 28 फरवरी सोमवार को है प्रदोष व्रत। तो ये कुछ तीज त्यौहार हैं जो फरवरी के महीने में हैं, इनकी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अब बात करते हैं ग्रहों के गोचर की, कि कौन कौन से ग्रह जो है किस तारीख पे फरवरी महीने में गोचर करेंगे। तो 4 फरवरी को बुध मार्गी होंगे, 13 फरवरी को सूर्य का कुंभ राशि में गोचर होगा, 23 फरवरी को गुरु अस्त होंगे, 26 फरवरी को मंगल का मकर राशि में गोचर होगा, 27 फरवरी को शुक्र का मकर राशि में गोचर होगा। तो ये कुछ ग्रह हैं जो अपने स्थान परिवर्तन करेंगे, कुछ मार्गी होंगे, कुछ अस्त होंगे, कुछ आगे चलेंगे, गोचर होंगे। तो ये जो है जो भी ये ग्रह के गोचर हैं, जब जब ये गोचर होगा, इससे जुड़ा राशिफल हमारे चैनल पर अपलोड किया जाएगा और उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी कि इस गोचर से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। और वो भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, तभी तो नोटिफिकेशन मिलेगा आपको। तो ये तो बात हो गई ग्रहों के गोचर की, तीज त्योहारों की। अब जल्दी से जान लेते हैं कि फरवरी माह में जन्म लेने वाले लोग कैसे होते हैं, क्योंकि हम सभी के जीवन में कोई ना कोई ऐसा होता है जिसका फरवरी माह में जन्म हुआ होता है। तो आपको बताते हैं कि फरवरी माह में जन्म लेने वाले जातक कैसे होते हैं, उसके बाद आ जाएंगे आपके राशिफल पे। तो फरवरी में जो है ये जो है लोग समाज में किस तरीके से अपने आप को स्थापित करते हैं और कैसा होता है इनका दूसरों के साथ व्यवहार। तो सबसे अगर इनके स्पेशल खूबी की बात कर ले तो फरवरी में जन्म लेने वाले लोग जो होते हैं प्रखर बुद्धि के होते हैं, इनके व्यक्तित्व में एक तरह की चमक होती है, लेकिन जब तक कोई इनकी खूबी इन्हें बताना दे इन्हें विश्वास नहीं होता। प्यार के मामले में अक्सर इनकी नया भी हिचकोले खाती रहती है, इनका ईगो इनके इन्हें साथी के सामने झुकने से रोकता है, यही वो जो है कि ब्रेकअप या फिर कोई अफेयर ही नहीं इनके जीवन की नियति बन जाती है। इनके लिए लकी नंबर की बात कर ली तो होता है 4, 7 और 9। लकी कलर की बात कर ली तो व्हाइट, बेबी पिंक, मैरून। लकी डे की बात करें तो सैटरडे और थर्सडे। लकी स्टोन की बात करें तो एमरल्ड और जो है एमेथिस्ट है। अगर बात करें इनके जो है सोशल नेचर की, तो ये दोस्ती करने में माहिर होते हैं। जी हाँ, ये दोस्त बनाने में माहिर होते हैं, हर उम्र के हर वर्ग के दोस्त इनके ग्रुप में मिल जाएंगे। दरअसल ये स्वभाव से मित्रवत होते हैं और जल्दी ही लोगों में घुल मिल जाते हैं। अब इनकी कमजोरी की बात कर ले
तो फरवरी महीने में जन्म लेने वाले लोग जो है बैठे बिठाए धोखा खा जाते हैं, क्योंकि हर किसी पर विश्वास कर लेना इनकी कमजोरी है। दुनिया में दोनों हाथों से लुटाने के लिए पैदा हुए हैं, बचत करना इनको आता ही नहीं है। अब अगर बात करें इनके दिल की, तो अपने इनके जो दिल की बात कहे तो जो है ये अपने दिल की बात सबसे कह देंगे, मगर जिससे कहना है उससे कभी खुलकर नहीं कह पाते। इनको अपने साथी से अक्सर एक ही शिकायत रहती है कि प्यार में आप जिस गहराई को चाहते हैं उसमें उतनी वह नहीं मिल पाती है। बात करें कि फरवरी महीने में पैदा होने वाले लोग किन क्षेत्रों में कामयाबी पाते हैं, तो ये लोग जो है डॉक्टर, लेखक, शिक्षक, चित्रकार, कंप्यूटर विशेषज्ञ या नेता होते हैं। इनसे अलग क्षेत्र में कामयाबी हासिल करने के लिए इन्हें खासा संघर्ष करना पड़ता है। भाग्य के मामले में थोड़े पिछड़े ही कहे जाएंगे। तो ऐसे होते हैं फरवरी माह में जन्म लेने वाले लोग। तो जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव में या जानने वालों में फरवरी माह के बारे में पैदा हुआ है, अब आपको उनके बारे में सब कुछ पता चल गया है। तो ये तो बहुत सारी खास बातें हो गई ग्रहों के बारे में, तीज त्योहारों के बारे में, जो है कैसे कैसे कैसा नेचर होता है, क्या लकी होता है उनके लिए। अब बताएंगे आपको आपका राशिफल, यानी जो ये राशिफल आपकी नाम राशि और चंद्र राशि दोनों पर आधारित है। नाम राशि वही यानी कि राशि के नीचे कुछ अक्षर लिखे होंगे, अगर आपका नाम उस राशि से शुरू होता है तो वो आपकी राशि हो गई और आप उसका राशिफल जान के लाभान्वित हो सकते हैं। तो और चंद्र राशि तो आपको पता ही है कि जो भी आपकी चंद्र राशि मून साइन होगा वो आपके उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि आपकी राशि के लिए ये जो साल 2022 का दूसरा महीना है क्या कुछ खास लेकर आया है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में मेष राशि के जातकों के बारे में। राशि चक्र की पहली राशि यानी एरीज वालों के बारे में जानेंगे कि आपके लिए जो है कैसा रहेगा यह महीना। तो सबसे पहले अगर करियर की बात करें तो मेष राशि के लोगों के लिए महीना करियर के दृष्टिकोण से अच्छा है। दशम भाव में मौजूद शनि और बुध ग्रह मिलकर अच्छे परिणाम देंगे। दोनों ग्रहों का शुभ संयोग आपको मेहनत और ईमानदारी से काम करने के लिए प्रेरित करेगा। काम को लेकर एक जोश भी नजर आएगा। नौकरी पेशा लोगों को उनकी मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। अब सरकारी अधिकारियों या वरिष्ठ लोगों का भरोसा हासिल करने में कामयाब होंगे। इसकी वजह से पदोन्नति भी मिल सकती है। दफ्तर में हर काम लगन से करें, अनुशासित होकर आप जो है अधिकारियों का भरोसा हासिल करने में कामयाब होंगे। कारोबारियों की बात करें, बिजनेसमैन लोगों की, तो यह महीना अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा। अपना काम करने वालों के लिए महीने की शुरुआत अच्छी रहेगी। बृहस्पति और शनि यानी जुपिटर और सैटर्न की सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी, जो आपके बिजनेस को बहुत तेजी से आगे बढ़ाएगी। आपके कारोबार का भी विस्तार होगा। मेष राशि के स्वामी मंगल का नवम भाव में शुक्र के साथ होना अच्छे परिणाम का संकेत दे रहा है। आप अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी तादाद में पूंजी निवेश कर सकते हैं। कारोबार के विस्तार और निवेश में आपको परिवार वालों का सहयोग मिलेगा। तो ये बात हो गई करियर की। अब जानते हैं स्टूडेंट्स के लिए मेष राशि के कैसा रहेगा जो है फरवरी का महीना। तो ग्रहों का संयोग मेष राशि के छात्रों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे नतीजे लेकर आएगा। सूर्य और देवगुरु बृहस्पति की पंचम भाव पर दृष्टि होने से विद्यार्थियों को प्रसन्न करने वाले परिणाम मिलेंगे। इसके साथ ही ज्ञान प्राप्ति के लिए सही दिशा भी मिलेगी। कोर्स को लेकर चल रही उधेड़बुन खत्म होगी। विद्यार्थियों को मनपसंद विषय पढ़ने का मौका मिलेगा। पढ़ाई को लेकर तय किए हुए मार्ग पर आगे बढ़ने में सफलता मिलेगी। करियर के दृष्टिकोण से जरूरी शिक्षा हासिल करने के लिए बेहद अनुकूल समय रहेगा। नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे विद्यार्थियों को भी सफलता मिलेगी। यह समय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स का उत्साह बढ़ाने वाला होगा। ऐसे स्टूडेंट्स अपने लक्ष्य के लिए कठोर परिश्रम की राह पर बढ़ेंगे। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अभी तक सफलता नहीं आपको मिल रही थी तो आत्म अवलोकन करके अपनी कोशिशों को और गति दे पाएंगे। विदेश जाकर पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अच्छा है। पंचमेश और द्वादश भाव के स्वामी बृहस्पति के एकादश भाव में होने से विदेश में पढ़ रहे विद्यार्थियों को उत्तम परिणाम मिलेगा। तो ये बात हो गई स्टूडेंट्स की। अब बारी मेष राशि वालों के फैमिली लाइफ की, कि जी हाँ पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा आपका साल 2022 के दूसरे महीने में। तो मेष राशि वालों के लिए समय पारिवारिक परेशानियों का हो सकता है। दूसरे भाव में राहु और नवम भाव में शुक्र के उपस्थित होने से पारिवारिक चुनौतियां बढ़ सकती हैं। इसके साथ ही चतुर्थ भाव पर शनि और बुध की दृष्टि होने से घर परिवार के हालात बिगड़ सकते हैं। परिवार में आपसी मतभेद और तनातनी बढ़ेगी। मामूली बातों पर तनाव हो सकता है। इस समय परिवार के सभी सदस्यों को साथ में लेकर चलना आसान नहीं होगा। परिवार के लोगों का बर्ताव आपके काम में रोड़े अटकाने वाला साबित हो सकता है। हालांकि अगर आप समझदारी से काम लें तो कोई विशेष समस्या नहीं आएगी। घर का माहौल हर हाल में अच्छा रखने की कोशिश करें। आपके लिए मीठी जुबान का इस्तेमाल करना कारगर हो सकता है। बातचीत में होशियारी और धैर्य दिखाएं तो पारिवारिक कटुता दूर हो सकती है। परिवार वालों का दिल जीतने की कोशिश करें और अपने अच्छे बर्ताव से उनका भरोसा हासिल करें। इस वक्त पुराने विवादों को टालना एक अच्छा कदम साबित होगा। परिवार के लोग अगर आपकी बात सुनेंगे तो आपसे जरूर सहमत होंगे और आपके काम में सहयोग करेंगे।
तो ये बात हो गई फैमिली की, अब बारी लव और मैरिड लाइफ की कि मेष राशि के जो विवाहित लोग हैं या प्रेमी हैं उनका कैसा रहेगा फरवरी का महीना। तो मेष राशि के जो जातक प्रेम संबंध में हैं उनके लिए खुशी का समय है, लंबे अरसे से चल रहा प्रेम संबंध और मजबूत होगा, अपने साथी के सामने शादी का प्रस्ताव रखने का यह सही समय है। ग्रहों का संयोग आपके लिए मददगार साबित होगा, बृहस्पति की पंचम भाव पर दृष्टि और 14 फरवरी के बाद सूर्य की पंचम भाव पर पूर्ण दृष्टि रहेगी, इसकी वजह से आपका शादी का प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के संकेत है। शादीशुदा लोगों के लिए यह मिलाजुला समय रहेगा, जीवन साथी के साथ खुशी के पल बिताने का अवसर मिलेगा। नवम भाव में शुक्र की उपस्थिति दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ाएगी, पति पत्नी में एक दूसरे के लिए प्रेम बढ़ेगा। गलतफहमी की वजह से कई बार अनबन हो सकती है, लेकिन समझदारी से काम लें तो तकरार जल्दी ही खत्म हो जाएगी। मेष राशि के जातकों को सलाह है कि वो अपने जीवन साथी के दिल की बात को समझने की कोशिश करें, जीवन साथी के सामने अपनी भावनाएं भी खुलकर व्यक्त करें। ये तो बात हो गई लव और मैरिड लाइफ की, अब बारी है पैसों की, यानी आर्थिक जीवन कैसा रहेगा फरवरी में मेष राशि वालों का। तो उत्तम समय है, 11वें भाव में जो है बृहस्पति और दूसरे भाव में राहु की उपस्थिति आर्थिक लाभ का संकेत दे रही है। अभी तक खर्चों से परेशान मेष राशि के लोगों को राहत मिल सकती है, क्योंकि 12वें भाव पर शनि की दृष्टि रहेगी, इससे बेकार के खर्चों पर लगाम लग सकती है। 14 फरवरी को सूर्य के 11वें भाव में जाने से भी आपको फायदा होगा और बचत करने में सफलता मिलेगी। आप सही बजट प्लान करके इस माह धन संचय कर सकते हैं। कारोबारियों के लिए समय बेहद अनुकूल है और लाभ की संभावना से भरा हुआ है। अगर सही दिशा में कदम उठाए गए तो कारोबार बड़ा होगा और कामयाबी मिलेगी। अपने काम में बड़ा निवेश कर सकते हैं। अगर हाल में व्यापार या कारोबार शुरू किया है तो इस माह से कामयाबी मिलनी शुरू हो जाएगी। सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले जातकों को भी भरपूर कामयाबी मिलेगी। आपके काम की सराहना होगी और पदोन्नति भी हो सकती है। सहकर्मियों का आपके प्रति नजरिया बदलेगा, अधिकारियों का भरोसा हासिल करेंगे आप। तो ये बात हो गई आपके पैसों की। अब बारी है हेल्थ लाइफ की कि मेष राशि वालों का फरवरी का महीना स्वास्थ्य के नजरिए से कैसा है। तो ये इस आपको अपने हेल्थ के प्रति जो है फरवरी में गंभीर रहना होगा। आपके लिए जरूरी है कि एक स्वस्थ दिनचर्या को अपनाएं, सेहत के दृष्टिकोण से पौष्टिक और संतुलित खान पान का ध्यान रखना होगा। वसा युक्त भोजन से शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं, अत्यधिक भोजन भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ा सकता है। बासी भोजन से बचना जरूरी है, क्योंकि इससे आपको फूड पॉइजनिंग का खतरा हो सकता है। अगर दिनचर्या में बदलाव लाते हैं तो बहुत फायदा होगा। सुबह जल्दी उठना और रात को जल्दी सोने से आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। खुद को फिट रखने के लिए आपको शारीरिक क्रियाएं करने की जरूरत है, हो सके तो प्रतिदिन योग ध्यान या व्यायाम के लिए कुछ समय जरूर निकालें। आपको तला भुना भोजन करने से भी बचना चाहिए। तो ये तो हेल्थ की बात हो गई, हर एंगल से देख लिया। अब कुछ आपको रेमेडीज देते हैं, उपाय देते हैं, ज्योतिष उपाय, जिनसे आपका फरवरी का महीना बहुत अच्छा बीतेगा। तो पहला उपाय है, श्री लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा के सामने देसी घी का दीपक जलाएं और उनकी स्तुति करें। दूसरा उपाय, पूजा अर्चना में परिवार वालों को भी शामिल करें और उनका सहयोग लें। तीसरा उपाय, शनिवार के दिन दिव्यांगों को भोजन कराएं। और चौथा उपाय, अच्छी गुणवत्ता वाला मूंगा रतन धारण करें। तो कुछ उपाय हैं जो आपकी बहुत सारी समस्याओं को दूर करेंगे और आपको अच्छे रिजल्ट भी मिलने शुरू हो जाएंगे। तो जाना हमने इस वीडियो में कि आपके लिए साल 2022 का दूसरा महीना कैसा रहेगा, और बहुत कुछ खास जानकारियाँ दी हैं हमने आपको इस वीडियो में, ताकि आप अपने इस महीने को बहुत अच्छे से बिता पाएँ, अच्छी प्लानिंग कर पाएँ। और अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल रह गया है, कोई दुविधा रह गई है, कोई डाउट है आपका, तो वो लिखिए कमेंट बॉक्स में। लेकिन डाउट ऐसा होना चाहिए, सवाल ऐसा होना चाहिए जिससे बहुत सारे लोगों को लाभ हो, तभी हम आपको उसका वीडियो के माध्यम से उत्तर देंगे। बाकी अगर आपकी कोई पर्सनल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी ग्रह की वजह से परेशान है, या जीवन में बहुत मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, कुछ ना कुछ बुरा ही हो रहा है, चाहे कितने भी अच्छे कर्माज हो, कुछ भी आपकी दिक्कत है ग्रह से रिलेटेड या लाइफ से रिलेटेड, तो उसके लिए आप हमसे किसी भी समय बात कर सकते हैं। बात करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके कभी भी बात कर सकते हैं, समय की कोई पाबंदी नहीं है। बाकी अगर बात करें आपकी भाषा की, तो आप जिस भी भाषा में बोलते हैं उस भाषा की जानकारी ज्योतिषी हमारे पैनल पर मौजूद हैं, और किसी भी पद्धति में जानकारी चाहिए उस पद्धति में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो एस्ट्रोसेज वार्ता पर जुड़कर आप हमसे किसी भी समय वार्तालाप करके अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। और जो भी जेनरिक सवाल है तो वो लिखिए कॉमेंट बॉक्स में, क्योंकि हर शाम 5 बजे मैं आती हूँ आपके लिए लेकर इसी चैनल पर दैनिक राशिफल का वीडियो। आपके सवाल का जवाब उस दैनिक राशिफल की वीडियो में मैं आपको दूंगी। और उस वीडियो को देखने के लिए या बाकी जो भी ग्रह नक्षत्र जो है बदलते हैं, या ग्रह नक्षत्रों से जुड़ी जानकारियां हैं, जो ग्रह का गोचर होता है, तमाम जानकारियां, कोई फेस्टिवल है तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, हर चीज का इंफॉर्मेशन आपको यहां मिल जाएगा एस्ट्रोसेज टीवी पर। और उन वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, तभी आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन
मिल पाएंगे। आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। कोई फीडबैक होता है आपका, अगर वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव है तो वो भी लिखा कीजिए, क्योंकि हम आपके हर एक कॉमेंट को पढ़ते हैं और उसी के अनुसार अपने वीडियो में चेंजेस भी करते हैं। आपके सवालों को, आपके सुझाव को हम सम्मिलित करते हैं अपने इस वीडियो में। और फिर बात कर लें, जो भी तीज त्यौहार है उनकी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको इस महीने में, जो भी तीज त्यौहार है। बाकी वैलेंटाइंस डे भी है, प्यार मोहब्बत का महीना है, तो आप सभी को, प्यार करने वालों को जो है वैलेंटाइंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिन लोगों का जन्मदिन आता है, एनिवर्सरी है, कोई खास दिन है फरवरी के महीने में, उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इन्हीं सब दुआओं के साथ, इन्हीं सब कामनाओं के साथ अभी मैं आपसे विदा लूंगी, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए स्टोरीज टीवी। नमस्कार। फॉर रेगुलर अपडेट्स फॉलो अवर इंस्टाग्राम पेज राइट नाउ।